तो इधर है एक्स्ट्रा सब लेकर नेल पॉलिश रिमूवर्स, थोड़े वाइप्स जो बहुत पुराने हैं, सनस्क्रीन तो मैंने ऊपर ही चढ़ा दिया कि अभी कहाँ बाहर जाना तो कहाँ सनस्क्रीन का यूज, एंड वो थोड़े मेरे फेवरेट बाथ एंड बॉडी वर्क्स वाले सेट तो ऊपर की शेल्फ में इतना ही है। सेकेंड शेल्फ में पीछे के साइड मैंने वो चीजें रखी है जो आजकल मैं इतना भी ज्यादा यूज नहीं करती, विच आर माय परफ्यूम्स एंड बॉडी मिस्ट एंड एवरीथिंग। आई हैव टू जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ जो मेरे बैग में ही रहते हैं। तो इधर थोड़े और परफ्यूम्स है, एंड इधर हेयर स्प्रे है, एक हेयर सीरम, अनदर सनस्क्रीन, एंड ये तीन है वो मॉइस्चराइजर जो मुझे मेकअप के पहले लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्राइमर टाइप मॉइस्चराइजर, ये तो ऑल टाइम फेवरेट बचपन से है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई पॉन्ड्स का ऐसा वाला जो वर्जन निकला ना, नया मॉइस्चराइजर, वो ट्राई करना है। एंड दिस ऑल्सो देर इज एब्सोल्युटली नो फ्रेग्रेंस इन दिस वन, तो बिफोर मेकअप इट इज जस्ट सो गुड टू अप्लाई बिकॉज मेरा स्किन ड्राई नहीं होता है एवरी टाइम आई अप्लाई दिस वन। हेलो, एडिटिंग हेली हियर। I shot this video a month ago and by this time that you're watching the video they have changed their packaging, so they just sent me the new one and that's why I want to show you ki confuse mat hona, it's the same product inside, just bahar ka packaging change hua hai. Coming to the next shelf, idhar hai mere sare ke sare palettes. So the first four are these ones, I think. Ha, ye matte eyeshadow palette hai, ye blush palette, eyeshadow, मेरी सबसे पुरानी आई शेडो पैलेट विच इज स्टिल आई थिंक माई मोस्ट फेवरेट वन। नेक्स्ट थ्री है दीज, ओ दिस वन ऑल्सो आई रियली लाइक, रेवोल्यूशन का सबसे कलरफुल वाला पैलेट है, एकदम ही कलरफुल। हुडा ब्यूटी का द ओनली हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट आई ओन, बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट। फिर है ये रेवोल्यूशन का पैलेट, और दिस इज अ पार्टी टाइप आई शेडो पैलेट, पर ये मेरे को एक सेट में मिला था तो अकेले मैं शायद ये ना बाय करती बिकॉज इसमें बहुत ही लाइट और बहुत सारे सिमिलर शेड्स है। सो दिस इज द लेटेस्ट वन दैट आई बॉट, स्विस ब्यूटी का बड़ा वाला आई शेडो पैलेट, काफी सही है ये वाला भी। एंड फिर है ये कॉन्टोर पैलेट, लिटरली एक एक ही रख के रखा मैंने, एक ब्लश और एक कॉन्टोर पैलेट। एंड यहाँ पे आता है अपने थोड़े मिनी पैलेट, फर्स्ट वन है ये ब्रिक हाईलाइटर, फिर है ये ऑल इन वन टाइप पैलेट है, ये हाईलाइटर है, कॉन्टोर है, ब्लश एंड अ फ्यू फन आई शेडोज। फिर आते हैं ये वाला, ये ना टूट गया, पता है एक बार गिर गया था ये, तो ये वाली शेड टूट गई, बट बहुत सही पैलेट है ये वाला भी। एंड देन आई हैव टू नेक्स्ट पैलेट्स, दोनों अल्टीमेट वाले वर्जन है, बोथ आर लाइक द सेम आई शेडो पैलेट बट इन डिफरेंट शेड्स। तो एक है ये डार्क वाला, मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है क्योंकि इसकी स्मूथनेस और पिगमेंटेशन बेटर है मल्टी कलर वाले से, एंड दूसरा है ये मल्टी कलर वाला, बट आई रेकमेंड दिस वन फॉर मल्टी कलर, आई वुड रेकमेंड वो रेवोल्यूशन वाला बेटर है। एंड देन वी हैव प्रेस ग्लिटर, मेरे को प्रेस ग्लिटर्स बहुत पसंद है, लेकिन जब से मैंने लिए है तब से मैंने यूज नहीं किए, बोलो लाइक आलसी, मतलब हद पार आलसी हूँ मैं। तो दिस इज वन, द सेकेंड वन जो टेक्निकली सेम कलेक्शन में से है बट शेड्स अलग है, ये दोनों प्रेस ग्लिटर पैलेट्स हैं। अगर आपको स्वॉचेस चाहिए तो मैंने एक वीडियो में किए थे, आई विल लिंक द वीडियो नीचे फॉर स्वॉचेस, बट काफी ऑर्गेनाइज्ड है। For my standards, this is too organized, okay? और ये मैंने बहुत मेहनत से किया, तो आई एम वेरी प्राउड। फिर ये साइड पे है अगेन थिंग्स फॉर डेली यूज, लाइक मेरा कॉम्ब सबसे आगे रखा है मैंने, और परफेक्टली इधर इतनी जगह है, इधर से पतला इधर से मोटा, तो दिस फिट्स एकदम राइट हियर। एंड वन फाउंडेशन जो मैं एकदम ज्यादा यूज नहीं करती बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट देन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्प्रेज। फिर अ बैकअप स्प्रे, जो अगर मेरे को आई शेडो से यूज करना रहता है ना, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो मैं थोड़ा सस्ता वाला यूज कर लेती हूँ, बट अगर फेस पे यूज करना है तो मैं महंगा वाला यूज कर लेती हूँ, तो मतलब थोड़ा ऐसा है मेरा बायस। एंड पीछे मेरा फेवरेट लिप बाम, अ बैकअप फाउंडेशन, दिस वन इज अ बैकअप, मेरे पास ये सेम पड़ा है आगे, ये लिप टिंट्स है दो, ये और ये टेडी बेयर्स। फिर एक लूज पाउडर है, स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर है। फिर एक पोर मिनिमाइजर है, या बस ऐसे पोर्स के लिए प्राइमर पर बाम फॉर्म में है। देन वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट कॉम्पैक्ट रिमल स्टे मैट, अब बहुत महंगा हो गया है, जब मैंने लिया था तब 250 का लिया था, एक एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट जो ऐसे ही पड़ा है मेरे पास, आई डोंट नो व्हाई आई स्टिल हैव इट। एंड ये साइड पे सिंगल आई शेडोज है, जो यूजुअली अपने चैलेंज वीडियोज के टाइम पे मैं लेती हूँ, बट आई हैव माई मोस्ट फेवरेट वन सबसे आगे,
ये ग्लिटर टाइप्स है एंड यहाँ पे है लिप बाम, तो एक है नेचुरल वॉश वाला जो उनको बहुत पसंद है, फिर वादी वाला भी बहुत पसंद है, फिर ये ऐसे ही ब्रॉन्जर पड़ा है, बॉडी ब्रॉन्जर, बट ये सिल्वर है तो आई डोंट एग्जैक्टली गेट इट, ये वाला मेरे को समझ में नहीं आता है ये क्या यार। हाँ ये वो मूस आई शैडो है जिसमें अपने साथ धोखा हुआ था कि अपने को लगा था कि ये मूसी रहेगा बट ये मूसी था नहीं। फिर ये वो मल्टीपर्पज वाला आई शैडो किट जिसमें ब्लश और कॉन्टोर हाईलाइटर सब एक साथ आ जाता है। फिर यहाँ पे है जेली हाईलाइटर जो टेक्निकली लिक्विड हाईलाइटर है बट जस्ट थोड़ा फैंसी वर्जन है। यहाँ पे है हूला ब्रॉन्जर जो लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग किट में ऊपर रखते हैं बट इधर हूं मैं जो एकदम नीचे रख के रखी है। एंड लास्ट में है एक आईब्राउ की किट जो मैंने ना मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली पे ज्यादा यूज करी है खुद से, ये इससे थी मिनीसो से ली थी मैंने, दिस इज द शेड। मैं अभी सब एज इट इज आपसे रख दूंगी वरना नोइंग माई सेल्फ मैं इतनी आलसी हूँ कि फिर मैं रखूंगी ये सब। तो इन द फर्स्ट मेकअप ऑर्गेनाइजर पूरा रैंडम है ये, मेरे इधर जगह बची हुई थी तो मैंने ना इधर बहुत सारी नेल पॉलिशेस भर दी जो पहले मैं ऐसे ही रखती थी बट अब थोड़े और ऑर्गेनाइज है। फिर यहाँ पे है आई मेकअप, तो ये है मॉम का सेक्शन, ये है मेरा सेक्शन, हमने अलग अलग रखा है बिकॉज आई स्टफ शेयर नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे और नेल पॉलिशेस है पीछे के साइड पे, एंड देन हेयर देर आर प्राइमर्स एंड मस्कारा और थोड़े लिपस्टिक्स और लिपस्टिक, ये फ्री सैम्पल्स जो मिले थे जिसका यूज़ करने का मेरा सैम्पल यूज़ करने का जी नहीं लगता है, बोले मैं कभी खुद के पैसे से कब खरीद के यूज़ करूँगी क्या पता। कमिंग टू दिस मेकअप ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे पीछे लंबे सेक्शन में बहुत सारे लिपस्टिक्स है, मेरे फेवरेट लिप ग्लॉसेस है रेवोल्यूशन से, एंड यहाँ पे वो लॉरियल वाले लिपस्टिक्स है अपने किनेशने पीआर पैकेजेस तो लिए अपन ने, तो आई थिंक वी ऑल रिमेम्बर, तो एक अपने को लॉरियल का आया था जिसके ये थोड़े लिपस्टिक्स इधर है एंड एक मेबलिन का आया था जिसका इधर है। एंड ये मैक वाले लिपस्टिक्स भाई खुद के पैसे से लिए है, ये पीआर नहीं है, तो ऑल द मैक लिपस्टिक्स मैंने आगे रखे है बिकॉज ये एक्सपायर अब कभी भी हो सकता है तो मेरे को सारे यूज करके खत्म करना है। एंड वैसे सर मेरे मेकअप ब्रशेस मैंने ये स्केच पेन्स के स्टैंड में रखे हैं, एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको धोना बाकी है बट ये स्टैंड में रखा है एंड दैट्स इट फॉर द शेल्फ। हाँ और एक फाउंडेशन जो मैं रेगुलर में यूज करती हूँ। कमिंग टू दिस शेल्फ आई रियली लाइक ये कितना एस्थेटिक लग रहा है, तो लॉरियल के बाकी के लिपस्टिक्स इधर है मेबलिन के हैं एंड ये मेबलिन ने बस एक और भेजा था, तो ये सारा ये तो पी आर वाला ही लगता है मेरे को। एंड ये अगेन इज आर ओन हार्ड अर्न्ड सेटअप, तो ये अपने नेल पॉलिशेस, फिर ये लिक्विड आई शेडोज जो बहुत मुश्किल से मेरे को मिले थे, बहुत कम टाइम ये स्टॉक में होते हैं, काफ़ी टाइम तक तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही होते हैं। एंड देन कंसीलर्स रखे हैं इधर पीछे और फिर लिक्विड हाईलाइटर्स, ये लिक्विड हाईलाइटर एंड फन वाले आई लाइनर्स, नियॉन आई लाइनर्स, तो ग्रीन है, ब्लू है, मिंट है, ये पर्पल नहीं ये ब्लैक है बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट काजल्स। एंड कंसीलर की बात करें तो आई हैव ट्राइड फोर डिफरेंट वंस, तो फिट मी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी ये शेड में, यार मेरे से एक शेड डार्कर वाला है कंसीलर मेरे पे बेटर लगता है। एंड देन सेकेंड फेवरेट इज एज रिवाइंड, मेबलिन के कंसीलर्स एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आता है। थर्ड फेवरेट इज स्विस ब्यूटी वाला ये, एंड लास्ट पे आता है ये शुगर वाला, ये वाला कंसीलर मेरे को आज तक यूज़ करना बराबर से आया नहीं है। फिर यहाँ पे है कोम, ये मेरे फेवरेट वाले टैंगल टीजर्स, मैं एक्चुअली ये कोम्स यूज करती हूँ बहुत सालों से एंड मेरे बाल बहुत बेटर हो गए, लाइक कम नॉट्स होती है। फिर छोटे मोटे रबर बैंड्स, क्लिप्स और ये सब रख रखे है छोटी कटोरी में जो मैं किचन से चुरा के लाई थी एक साल पहले, मैंने कभी लौटा ही नहीं। फिर ये स्टिक वाला सनस्क्रीन बहुत हैंडी आता है, पता है जब समर्स में बाहर जाती थी ना मैं बैग में लेके जाती थी। एंड नेल पॉलिश रिमूवर, बस रैंडम आई लाइनर, ये मम्मी की फेवरेट लिपस्टिक मैंने अभी तक रख के रखी है बिकॉज आई हैड टू री ऑर्डर दिस एंड मुझे आज तक मिली ही नहीं, बट उसके बाद ना इतना पीआर आ गया था कि मैंने वो नहीं मंगाई, पता है कि पहले ये तो ख़त्म करे एंड ये भी शायद आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इड अमंग्स माई फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज इतने लिपस्टिक्स हम अकेले नहीं यूज़ कर पाते यार। एंड कमिंग टू द सेकेंड लास्ट शेल्फ, यहाँ पे एक रैंडम स्टैंड में मैं छोटे छोटे मेरे पॉकेट से जो भी पैसे निकलते हैं ना वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एंड ये वाला तो पूरा भर ही गया पता है कॉइन्स के साथ, और ये 20 रुपीज का पहला नोट था जो मैंने देखा था, तो आई ऑलवेज लाइक टू कलेक्ट द फर्स्ट करेंसी नोट्स दैट आर न्यूली जनरेटेड। फिर ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मेकअप के एरर्स फिक्स करने के टाइम पे। एंड माय फेवरेट पार्टनर सिल्वर एक्स, क्योंकि मैं बहुत बार जली हूँ पता है बाल कर्ल वर्ल करते वक्त, तो ये मुझे बचाता है। रैंडम सा परफ्यूम, रैंडम टोटल रैंडम थिंग्स, और अगर मच्छर मारने की कितनी सारी चीज़ें क्यों है मुझे पता नहीं, ये गुड नाइट है और फिर ये रोल ऑन भी है मच्छर को दूर रखने के लिए। एंड बस अनदर कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉम्पैक्ट नहीं है ये एक्चुअली,
ये नॉर्मल अपना आई थिंक सेटिंग पाउडर है, सैनिटाइजर और ये शार्पनर्स है इधर, एंड इसमें आई थिंक मेरी सेफ्टी पिन्स है, बहुत सारी सेफ्टी पिन्स। फिर ये ब्लू आईलाइनर पॉट है, आईलाइनर है बस मल्टीपर्पज है, एंड ये पीरियड क्रीम है, बहुत सही है, मुझे बहुत हेल्प करती है ये। I haven't used it for the past 2-3 months, but जब मैं use करती हूँ तब मुझे इसका असर तो काफ़ी होता है। And then बस एक है मेकअप क्या नेल पॉलिश रिमूविंग के वाइप्स का डब्बा, एंड ओ नाइसिल एंड लैक्टोकैलामाइन। जितनी भी बार मुझे बॉडी पे कुछ होता है ना फोड़ी वोड़ी, दिस हेल्प्स अ लॉट विथ कोल्ड वाटर द नाइसिल, एंड अगर ये करने का टाइम नहीं है ना तो डायरेक्टली लैक्टोकैलामाइन भी बहुत असर करता है। एंड हेलो, दिस इज अ मिरर, बस द आई थिंक द ओनली मिरर यू सी ऑन द चैनल फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स। हाई, मैंने फॉरएवर 21 से बहुत साल पहले लिया था, आई थिंक उसका हॉल भी बनाया था मैंने। एंड लास्ट शेल्फ इज ऑल्सो अगेन वेरी रैंडम। इधर एक्चुअली मैं पहले ना मेरे ये सब जो कर्लिंग के टूल्स वूल्स है ना वो मैं यहाँ पे रखती थी, लेकिन अभी सिंस वी रेनोवेटिंग द रूम तभी इसके लिए अलग जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे कुछ शीट मास्क है, पिम्पल पैचेस है, एंड मिनी स्ट्रेटनर है, फिर एक मेकअप रिमूविंग पैड है जो तो मुझे बार बार ना वो कॉटन पैड्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। ये मेरे को नहीं पता इसका पर्पस क्या है, ये मेरे कर्लिंग वाले के साथ आया था, कर्लिंग वॉन्ड के साथ, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस। आई थिंक ये कर्ल्स ओपन करने के लिए होगा शायद। फिर द बिगेस्ट पैलेट आई ओन, बट मैं इसको यूज़ ही नहीं करती ज़्यादा, इसका पिगमेंटेशन मुझे इतना भी मज़ा आजकल नहीं आ रहा है, बिकॉज आफ्टर ट्राइंग हुडा ब्यूटी एंड ऑल ना फिर पिगमेंटेशन की एक्सपेक्टेशन अलग ही हो जाती है। फिर माई फेवरेट कॉम्पैक्ट, आई डोंट नो ये इधर क्यों पड़ा है, एंड वन पैलेट विच डज ऑल द थ्री थिंग्स वेरी वेल इज दिस वन बाय शुगर। इसका ब्लश हाईलाइट कॉन्ट्रोल तीनों ही बहुत सही है पता है, तो ये भी इसलिए बाहर पड़ा है। एंड आई थिंक दिस वॉज द लास्ट मेकअप पैलेट आई यूज, आई थिंक एक हफ्ते पहले यूज़ किया था मैंने, तो इसलिए ये बाहर ही पड़ा है अभी, ये भी शुगर का ही है। सो दिस वॉज माई मेकअप का प्लेस का टूर। आई डोंट फील लाइक मेरे पास कम मेकअप है, इनफैक्ट आई फील लाइक मेरे पास बहुत ही ज्यादा मेकअप है फॉर द अमाउंट ऑफ मेकअप आई डू। फॉर मी आई थिंक ऑल आई नीड इज अ गुड कलरफुल आई शैडो पैलेट, अ गुड लिक्विड कलर्स जो मैंने अभी पैक से मंगाया, बट वे आर वो बाहर पड़े हैं तो इसलिए मेरे मेकअप के इधर नहीं है, गुड सेट ऑफ ब्रशेज एंड वन न्यूट्रल पैलेट, बट स्टिल है बहुत सारा, तो आई एम जस्ट गोना शेयर इट विद एवरीवन पॉसिबल। And if you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. If you did not enjoy watching this video, give it a thumbs down. And I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye!